फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आपको हैप्पी दीपावली। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली को ही दीपावली कहा जाता है क्योंकि दिवाली के समय घर में दिया जला के पूरे घर को रोशन किया जाता है। और अब दीपावली आई है तो हम फायर क्रैकर्स को कैसे भूल सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली को भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के और अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत के खुशी में मनाई जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं फायर क्रैकर्स की। क्या आपको पता है फायर क्रैकर्स इंडिया में कैसे आए? ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फायर क्रैकर्स का इतिहास क्या है। भारत की बात करें तो हमारे देश की प्राचीन ग्रंथों में दिवाली को रोशनी का और खुशियों का त्यौहार माना जाता है, ना कि पटाखों का। पर ये परंपरा चाइनीज से होते हुए यूरोप और दूसरे देश से भारत आई। चीन में ये मानते हैं कि पटाखों के शोर से बुरी आत्माएं और दुर्भाग्य भाग जाते हैं। बीबीसी न्यूज के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शायद पटाखों का विचार आतिश दीपांकर नाम के बंगाली बौद्ध धर्म गुरु 12वीं सदी में लेकर आए थे, जो शायद इसे पूर्व एशिया चीन तिब्बत से सीखकर आए थे। चीन में पटाखों की एक किस्सा ऐसी है कि उसका खोज खाने बनाते समय हुई। ये कहा जाता है कि चीन में किसी ने एक्सीडेंटली कोई केमिकल रिएक्शन से बनाया था। हमारे देश में ये भी धारणा है कि पटाखे को मुगल ही बनाते थे। उन्हीं के दौर में आतिशबाजी और पटाखे खूब इस्तेमाल करते थे। पर रिपोर्टर मानते हैं कि पटाखे देश में इससे पहले भी जलाए जाते थे, पर दिवाली पर जलाना इसका कोई ऐसा चलन नहीं था। ये तो हर एक को मालूम है कि अगर आपको कुछ भेजना है तो अपने देश में किसी मान्यता से जोड़ दीजिए, और यही हुआ आधुनिक भारत में। ये तो हो गया माइथोलॉजिकल रीजन। चलिए अब जानते हैं इसका पीछे का साइंस क्या है। असल में ये फायर क्रैकर्स जो जलाए जाते हैं ये एक्चुअली मानसून के बाद ही फोड़े जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अश्विन का जो महीना होता है वो मानसून का आखिरी महीना होता है, और इसके बाद ही सर्दी आने वाली होती है और नए फसल स्टोर किए जाते हैं। पहले के समय जब फसल स्टोर किए जाते थे तब इंसेक्ट्स लग जाते थे। और अभी आप शहर में भी देख सकते हैं कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही इंसेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं। असल में ये दिवाली के पहले नहीं, ये मानसून खत्म होने के बाद आते हैं। अगर इस समय में फसल को साफ नहीं किया गया तो इंसेक्ट्स का आना जाना चला रहेगा। इन इंसेक्ट्स से छुटकारा पाने के लिए फायर क्रैकर्स का यूज किया जाता है। पहली फायर क्रैकर इंडस्ट्री साल 1940 में कोलकाता में शुरू हुई, लेकिन आज़ादी के बाद तमिलनाडु के शिवकाशी में फायर क्रैकर्स का सबसे बड़ा गट बन गया। बट एनीवे, मैं आपको और एक बार यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी सेफ दीपावली। वही अभिषेक रुक, मैं भी आ रहा हूँ।